ओम अज्ञातिमिदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथंवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखा मितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्प तरुवेश कृपा सिंधु बहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dhanvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhuji, very happy to see all of them. Achha lagta hai. 140 devotees are already here. 140 devotee hai. Hum saath mein baith karke ab 6 ghanta, 6.5 ghanta, 64 mala karne wale. कभी कभी मुझे ऐसा लगता भी है प्रभु जी, नाउ आई एम सीरियसली टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट, हम कलयुग में है या कलयुग के बाहर है? नो डाउट बाहर तो सब जगह पे कंटेमिनेशन है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि इतने डिवोटीज कितने कमिटेड है, और ज्यादा करके हम लोग साथ में है भी नहीं, सबके कहाँ कहाँ से बैठे हैं। अफ्रीका से माता जी देखा मैंने, अफ्रीका से बैठे है, शिकागो से, लंदन, ये यूएस से बैठे है, यहाँ से वहां वहां सबसे जगह से बैठ करके डिवोटीज 64 माला करने की इच्छा रखते हैं। बहुत रेयर है हम प्रभु जी, प्लीज अंडरस्टैंड इट, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। क्या कृष्णा ने दे दिया हमारे लाइफ में प्रभु, बहुत ऊंची चीज दे दिया है। जो व्यक्ति जो है ना प्रभु, आई कैन थोड़ा ब्लंट बोल देता हूँ, अभी टॉपिक के बाहर हूं लेकिन मैं थोड़ा बोल देता हूँ प्रभु जी, जब आप थोड़ी भी नेग्लिजेंसी बताओगे ना इसके ऊपर, और कृष्णा को थोड़ा गुस्सा आ जाएगा आपके ऊपर कि इतना बड़ा चीज देता हूं फिर भी इसको कदर नहीं है, और थोड़ा हमारे से खींच लेगा ये लाइफस्टाइल जो हम कर रहे हैं प्रभु, यू विल नॉट बी एबल टू बेयर द लाइफस्टाइल विच वी वर डूइंग इट बिफोर। हम जो पहले जैसा जीवन जीते थे ना, वैसा जब जीवन हमारा होने लगेगा, क्योंकि हमारी मर्सी चली गई होगी प्रभु, हम बेयर नहीं कर पाएंगे, बैर नहीं कर पाएंगे। ए सिंसियर डिवोटी, मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं, वो डिवोटी बोलते हैं कि इट इज बेटर टू लीव अ बॉडी बट आई कैन नॉट लीव दिस एसोसिएशन इन दिस ग्रुप। इतना अंदर से उत्कंठा आ जाती है लाइफ के अंदर कि ये लाइफस्टाइल कभी भी विचार में नहीं किया था, ड्रीम में भी ऐसा मैं जी लूंगा, और ऐसा चीज हमारे पास में आ गया है। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, लाइफ के अंदर कुछ भी होगा, जस्ट प्रे टू द लॉर्ड, कुछ भी कर मेरे लाइफ में, लेकिन मुझे ये लाइफस्टाइल नहीं चेंज करनी है अभी। दिस इज द हाईएस्ट थिंग इन अवर लाइफ प्रभु। मैं देखता हूँ प्रभु जी, बहुत डिवोटीज थोड़े बहुत डोमेस्टिक इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंस इश्यूज, उसके वजह से थोड़े बहुत उनको लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और जब कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल में इस तरह से करते हैं तब जो है फिर बाद में जो है डेफिनेटली प्रभु, देर इज नो इन बिटवीन इन आइदर यू आर इन माया यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देर इज नो इन बिटवीन। तो थोड़ा एसोसिएशन कम हो गया, लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज होने लगा, इस तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ था वो कॉम्प्रोमाइज होने लगा, तो कंटेमिनेशन आ जाता है, और जैसा कंटेमिनेशन आ जाता है तो प्रभु कॉन्शियसनेस बहुत लूज होने लगती है, और जैसा कॉन्शियसनेस लूज होने लगती है ना प्रभु जी, डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। कितने डिवोटीज मेरे पास आकर के बोलते हैं कि प्रभु क्या हो गया है मेरी लाइफ में, बेहतर है प्रभु जी कि आई लीव माई बॉडी राइट नाउ बट आई कैनॉट स्टे दिस टाइप ऑफ ए लाइफ, दिस इज वॉट वी हैव गॉट इट इन अवर लाइफ, प्लीज डोंट सेक्रीफाइस इट आउट। कुछ छोटी मोटी टक्कू मक्कू चीज के लिए जो है प्रभु ये लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब मत कर देना,
देखो प्रभु जी, 2-3 साल पहले, अभी हमारा जूम को मई में 3 साल होता है, लेकिन 3-4 साल पहले देखना प्रभु हमारी लाइफ कैसी थी, क्या लाइफस्टाइल हो गई है। अरे पहले तो क्या था प्रभु जी, 16 16 माला का भी राड़ा था प्रभु, रात को सोते सोते बाकी की माला खत्म करते थे। और आज के दिन जो है प्रभु, हम लोग कितने अच्छे डिवोटीज, 142 डिवोटीज बैठ गए वहां 64 राउंड्स करने के लिए, और वो भी सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में। क्या हो गया है हमारे लाइफ में? और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हमको कोई प्रेशर और फोर्स से कोई बोला जाता है इधर आ जाओ, अंदर से समझ में आ जाता है कि क्या आनंद मिल रहा है, क्या नरिशमेंट मिल रहा है, क्या अंदर से पॉजिटिविटी आ गई है। और हमको खुद को तो लगता ही है, लेकिन हमारे आजू बाजू वाले लोग भी बोलने लगते हैं कि तुम्हारे में कुछ चेंजेस दिख रहा है, मुझे कुछ चेंजेस दिख रहा है। छोटी छोटी चीज के अंदर हम लेट गो कर लेते हैं प्रभु, क्यों हो गया ऐसा सब चीजें? क्योंकि हमको एक हायर टेस्ट मिल गया है। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस हायर टेस्ट। बहुत बहुत प्रभु जी, सॉरी टू बी वेरी, थोड़ा बोल्ड बोल देता हूँ, सबको इस्कॉन में ये नहीं मिलता यार, सबको ये गौड़ी संप्रदाय में भी नहीं मिलता है। जो हमारे जैसे लोग बंबई या मेजोरिटी तो सब मेट्रोपॉलिटन जगह पे से रहते हुए, हम कोई वृंदावन मायापुर में नहीं रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल पे इतनी फोकस नहीं थी प्रभु, फिर भी हमको को कृष्ण अहेतु की कृपा दे दिया है और हमको ये बहुत ऊंची चीज दे दिया है। व्यक्ति के पास पारस मणि होता है ना, पारस मणि वो टच स्टोन बोलता है ना, वो टच स्टोन से वो सब चीज सोना बन जाता है। वो कितना संभाल के रखता है पता है, उसको मालूम है कि ये चीज ही मेरा सब कुछ है। प्रभु जी टू बी वेरी फ्रैंक, एक जेन्युइन डिवोटी जिसको ये चीज मिला हुआ है ना, ही शुड बी मोर मोर कॉशियस देन दैट पारस मणि ऑल्सो। सब चीज कृष्णा ले लेना, लेकिन ये तो छोड़ना ही नहीं मत, मुझे ये तो छोड़ना ही नहीं मत, मैं ये छोड़ जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा मुझे पता नहीं है। और क्या होता है प्रभु जी, बहुत अमृत लेते हैं ना, फिर अमृत आपको मालूम है ना व्हाट इज द नेक्टर, जो बहुत अमृत आपको पिलाया जाता है, और फिर अमृत पिलाने के बाद में आपको फिर बोलते हैं कि बस अभी थोड़े से मैं रुक जाओ, थोड़ा शक्कर देता हूँ। अब शक्कर को भी आपको पॉइजन जैसा लगेगा क्योंकि वो अमृत की आदत लग गई है हमारा ये हालत है प्रभु जी। अगर हमको कोई बोलेगा ना, कोई भी बाजू वाला बोलेगा, अरे चलो ना आ जाओ ना, हम लोग जो है साथ में बैठ करके चलो ना 10 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, विल नॉट बी सो मच हैप्पी प्रभु जी, बिकॉज अवर लाइफ स्टाइल हैज बिकम सो डिफरेंट ना प्रभु जी, विल नॉट बी सो मच हैप्पी ऑल्सो। वी वॉन्टेड टू सी दैट दिस इज बीन मेंटेन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ अवर लाइफ, कोई भी हालत में भी कृष्ण कुछ भी कर अभी। तो प्रभु आई आई वांट स्पीकिंग समथिंग एल्स प्रभु, आई वांटेड टू स्पीक बिकॉज़ ऑल वी हैव टू चैंट 64 राउंड्स टुडे। टुडे प्रभु जी आज जो है ना प्रभु, आज मुझे लगा कि हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेवे, इंपॉर्टेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन अवर लाइफ। अगले सोमवार जो है प्रभु, नेक्स्ट संडे और उसके बाद में जो सोमवार आने वाला है, उस दिन महाप्रभु का अपीयरेंस डे है। तो मुझे मालूम नहीं अगले संडे को राधानाथ महाराज अगर क्लास देंगे तो आई माइट नॉट बी एबल टू गिव सम क्लास, इफ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट डे ऑल्सो, बट टुडे जो है प्रभु हमको, आई फेल्ट लेट मी स्पीक अबाउट महाप्रभु। प्रभु जी अगर आपने जो है एक चीज याद रखना प्रभु, हमारी लाइफ जो है महाप्रभु की वजह से चेंज हो गई है, हमारी लाइफ महाप्रभु की वजह से चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है? क्योंकि हमने जो है ना एक परंपरा परंपरा का सहारा लिया है, आचार्यों की मर्सी मिली हुई है, और हम परंपरा के मुताबिक ही हम फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद, हमारे सब आचार्य, 6 गोस्वामी और हमारे गुरु महाराज जो प्रभुपाद के, जिन्होंने प्रभुपाद का आश्रय लिया है, उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द मर्सी ऑफ महाप्रभु, और ये मर्सी के वजह से प्रभु हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी लाइफ चेंज हो गई। नाउ प्रभु जी क्यों हुआ ऐसा? बेसिकली जो है प्रभु, महाप्रभु ने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए है, शिष्टाष्टकम की दिया है, बहुत सब लोगों से बात कर करके, बहुत इंस्ट्रक्शंस भी, बहुत एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हर एक डिवोटी को भी दिया गया है, लेकिन जनरली महाप्रभु 3 चीज के ऊपर ध्यान दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में आता है और ये 3 चीज अपने बराबर लाइफ के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो उसको महाप्रभु की मर्सी मिलने लगती है और उसकी लाइफ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाता है।
और ये मिराकल है प्रभु जी, इट्स अ मिराकल। कैसे तीन चीज आप बराबर पकड़ करके रखो और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश करो, आपकी लाइफ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। जैसा बोलते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाओ यानी पानी बनना ही चाहिए, इसी तरह से ये तीन चीज जो आपने बराबर लाइफ के अंदर बराबर इसे सीरियसली ले लिया तो आपको महाप्रभु की मर्सी मिलनी चाहिए, आपका लाइफ चेंज होना ही चाहिए। और ये तीन चीज क्या है? तीन चीज है प्रभु जी, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। ये तीन चीज अगर व्यक्ति ने सीरियसली अपने लाइफ के अंदर ले लिया है प्रभु, आप देखना प्रभु इसके लाइफ के अंदर सडन चेंज हो जाएगा। सो विल डिस्कस अबाउट दिस थ्री थिंग्स, और वो डिस्कस करने के बाद में जो है प्रभु हम देखेंगे हमारी लाइफ में क्या चेंज आया है और अभी हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए महाप्रभु को। अगर प्रभु जी 5-1 मिनट लेट होगा तो प्लीज फॉलो करना, एडजस्ट कर लेना, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर महाप्रभु का हैप्पीनेस दे आवे, उसके पहले हम हमारी कॉन्सियसनेस बराबर बना के रखें। ये तीन चीज के अंदर प्रभु एनी डिवोटी, हाँ हो सकता है प्रभु वो डिवोटी की कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है तो उसको उतना जल्दी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कंटेमिनेशन बीच में आता है, लेकिन चेंजेस तो डेफिनेटली होने वाला है, डेफिनेटली चेंज होगा प्रभु। बिकॉज प्रभु जी ये तीन प्रिंसिपल जो महाप्रभु ने दिया है ना, इन कलयुगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस थ्री थिंग्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद ऑल द थ्री थिंग्स वेरी सीरियसली। पहला नामे रुचि, प्रभु वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन अवर लाइफ, अगर हमने गौड़ीय संप्रदाय एक्सेप्ट किया है और अगर आपने नामे रुचि नहीं आया यानी हरि नाम पे टेस्ट नहीं आया है प्रभु, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन कृष्ण कॉन्सियसनेस। इट शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ। नामे रुचि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी लाइफ के अंदर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, दूसरी सब चीज सेकेंडरी है। क्यों हमको आज के दिन जो है अच्छा लगता है, क्यों हमको ज्यादा टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि हमने लाइफ में अंदर हरि नाम को पहली प्रायोरिटी दिया है। थोड़ी भी प्रायोरिटी को कॉम्प्रोमाइज करिएगा ना प्रभु जी आपको नहीं मिलेगा। मैंने कितने डिवोटीज देखे हैं प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, एवरीथिंग इज वंडरफुल, लेकिन खाली एक प्रॉब्लम उनका ये हो रहा है प्रभु, चांटिंग को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। और लीस्ट प्रायोरिटी देने की वजह से क्या हुआ है प्रभु जी, दे आर डूइंग वंडरफुल सर्विस लेकिन उसको इतना नेक्टर नहीं दिखाई देता है मुझे, उसको इतना नरिशमेंट नहीं दिखाई देता है, बस भागा भागी करता रहता है। और मैं यहाँ पे डिवोटीज को देखता हूँ, इतनी सेवा नहीं कर रहा, दैट डजंट मीन वी हैव टू सर्व, वी विल डिस्कस इट आउट, बट उसने जपा को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, उसकी लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आ गया है। दूसरा, मैंने प्रभु आई एम हियर इन दिस कृष्णा कॉन्सियसनेस फॉर लास्ट अबाउट 35 ईयर्स नाउ, मैंने 35 साल के अंदर बहुत एनालिसिस किया है, मैंने बहुत डिवोटिस को ऐसे देखे जिसको हरिनाम पे अच्छा टेस्ट आ गया है, जो उसने हरिनाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है और हरिनाम के लिए लाइफ के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो जो मैंने देखा है वो डिवोटिस के लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स भी आए हैं, डिफिकल्टीज, एंग्जाइटी, टेंशन, सब चीज आया उसकी लाइफ के अंदर, लेकिन अभी तक, टेक माई वर्ड्स फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स आई एम सेइंग, मैंने 35 ईयर्स के अंदर मैंने अभी तक एक डिवोटी भी देखा नहीं है कि जो डिवोटी को प्रभु जी जो तो हरिनाम का टेस्ट आ गया है वो लाइफ में, और फिर ये सब प्रॉब्लम्स आने के बावजूद वो डिवोटी कृष्णा कॉन्शियसनेस से गया नहीं है। हाँ ऐसा राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि कभी भी बहुत बड़ी आंधी आती है, बहुत बड़ा तूफान आता है तो अच्छे अच्छे पेड़ भी होते हैं, जो बड़े झाड़ होते हैं जिसका रूट बहुत डीप होता है, वो हिलता है लेकिन गिरता नहीं है। एग्जैक्टली वो डिवोटीज की लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आए, वो हिला है लेकिन गया नहीं है। दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु, इस तरह से पकड़ करके रहेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्णा हमको आकर के बोलेगा अभी मैं आ गया, अभी मैं लेके जाता हूँ, क्यों अभी अभी तो छोड़, मेरे साथ में आ जाना। दिस इज व्हाट वी हैव टू हैव दिस कॉन्शियसनेस, हमको चाहिए अभी। सो दिस इज व्हाट इज नामे रुचि। मैंने कितने डिवोटीज को देखे हैं प्रभु जी, सो डिफिकल्ट टू टेक आउट दिस अनर्थास, टेक माय वर्ड्स प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट। आज 60 साल को हो गया हूं, 61 कंप्लीटेड, तो भी अनर्था नहीं जा रहा है। मैंने महाराज को बोल रहा हूँ क्या किया मैंने, 35 साल भक्ति करने के बाद में भी अनर्थ नहीं गया। तो महाराज मुझे एक ही चीज बोलते थे, खाली ये जन्म में 35 साल किया ना, लेकिन 35 करोड़ जन्मों में से जो है जो कुछ में तूने कचरा लेके आया उसका खाली 35 साल में जाएगा।
अनर्थ नहीं निकला है। कितनी मेहनत करने के बाद में भी अनर्थ निकलता नहीं है। कभी कभी घबराहट हो जाती है कि क्या होगा मेरा मृत्यु के वक्त पे, ये अनर्थ तो गया नहीं है, मैं भक्ति का खाली ड्रामा किया क्या? उस समय जो है प्रभु जी, जैसे जैसे हरिनाम पे रुचि आती है, नामे रुचि आने लगती है। अब चेक करना प्रभु जी, दिस इज ओपन चैलेंज फॉर ऑल द डिवोटीज हु आर सिटिंग ओवर हियर। आप चेक करना, अनर्थ गया नहीं है, डेफिनेटली नहीं गया है, बट एक चीज पक्का हुआ है, अनर्थ कम हुआ है। और अगर कम भी नहीं हुआ है तो भी जो है प्रभु, एक ऐसा शेल्टर मिला है कि वो अनर्थ के सामने जो है टक्कर देने की शक्ति मिल गई है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ नामे रुचि। दिस इज वॉट इज द पोटेंसी ऑफ हरिनाम। मैंने कितने डिवोटीज देखे हैं मुझे कहते हैं, प्रभु जी क्या समझ में नहीं आ रहा है, इतना सुंदर, अभी सुबह मैं आप लोग के साथ में जपा करता हूं, कैसे मेरा अनर्थ दब रहा है? वो दब नहीं रहा है, वो कृष्णा निकाल रहे हैं, कृष्णा निकाल रहे। नाम जो है प्रभु जी, नाम नाम प्रभु जो है वो सब आपका लाइफ का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और वो सब कर रहे हैं आपके चक्कर, उल्टा सीधा सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कभी कभी कोई डिवोटी मेरे पास आकर के बोलते हैं, प्रभु जी मैं वही व्यक्ति हूँ क्या, ये बॉडी के अंदर कोई सोल दूसरा आ गया है, और वो सोल दूसरा आकर के सब चेंजेस दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में? दिस इज ऑल बिकॉज प्रभु जी, कृष्णा इज प्लीज बिकॉज यू हैव टेकन चैंटिंग ऑफ द होली नेम वेरी सीरियसली। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस, डोंट कॉम्प्रोमाइज। बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है अभी, प्रभु ये चीज जो है ना, आज के दिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना प्रभु जी, नाउ आई एम रिटायर्ड ऑलमोस्ट, जो मेरे रिटायर्ड लाइफ के अंदर आई एम रिलिशिंग माई कृष्णा कॉन्सियसनेस इज जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत आगे की लाइफ के अंदर हरिनाम को थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दिया था, और वो प्रायोरिटी का आज फायदा मिल रहा है। आई एम रियली गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट 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 प्रैक्टिस विच आई कुड डू इट। दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो सब लोग बोल रहे हैं करने दो उनको, हम एक कोने में बैठ करके हरिनाम करते रहेंगे। दिस गिव्स सो मच नरिशमेंट फ्रॉम विद इन प्रभु। आज के दिन में कितने बूढ़े, बिकॉज रिसेंटली वी वेंट फॉर द यात्रा एंड आई यूज्ड टू टॉक टू सो मेनी डिवोटीज प्रभु, बूढ़े लोग, डिवोटी बूढ़े लोग भी जो है प्रभु, आज के दिन इतना टेंशन और एंग्जाइटी है, हमारे हेल्थ का क्या होगा, हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारा फाइनेंस का क्या होगा, हमारे लड़का लड़की की शादी नहीं हुए उसका क्या होगा, क्या 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 गड़बड़ होता है, क्या क्या टेंशन है, क्या क्या एंग्जाइटी है प्रभु, क्या क्या एंग्जाइटी है प्रभु। उस समय जो है प्रभु जी, अगर हरि नाम का टेस्ट आया है ना, आप सब विचार करना भूल जाओ, माला लेके बैठो, राधा श्याम सुंदर के पास आकर के खड़े रह जाओ, ये कि टेंशन है लेकिन मेरे पास हरि नाम है। हरि नाम जो शेल्टर देता है ना, वो सब चीज एक बाजू हो जाती है, और वो शेल्टर दूसरी बाजू हो जाता है, और वो शेल्टर जो है आपके प्रॉब्लम से आगे निकल जाता है, एंड यू बिकम ब्लिसफुल। दिस इज व्हाट वी वांट प्रभु, ये नामे रुचि ने दे दिया है हमको। हम शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, वी एक्सेप्ट इट आउट, हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष के अंदर भी आनंद आने लगा है। क्यों आनंद लगा है? आनंद आने लगा है क्योंकि नाम रूप ने या नाम प्रभु ने हमको जो है प्रभु, हमको बहुत बड़ा शेल्टर दे दिया है। सी द लाइफ, सी द सिचुएशन, क्या लोग पागल है क्या प्रभु? इतने लोग अभी 160 डिवोटीज आर सिटिंग एंड गोइंग टू चैंट 64 राउंड्स ऑफ आई, इतना सिकनेस करने के बाद में भी क्यों आते हो? क्योंकि कुछ ऐसी ऊंची चीज मिल रही है कि जो जहां पर भी पहले मिल नहीं रही थी। टेक इट वेरी सीरियसली नाउ टू गेट दैट नामे रुचि, वो जो नाम रुचि का जो है, नाम का जो हमको पूरा फायदा मिलना चाहिए, उसके लिए देयर आर 6-7 थिंग्स व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी सीरियसली। अगर ये हम बराबर लाइफ के अंदर ये 6-7 चीज बराबर पकड़ करके रखेंगे, तो हरि नाम का पोटेंसी बहुत जल्दी हो जाएगा अपने लाइफ में। व्हाट आर दोस 6-7 थिंग्स? पहला तो जो है प्रभु, वी हैव टू गो ऑन चेकिंग इट आउट दैट वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग जो 10 नाम अपराध जो हमको बताया गया है, वी आर स्ट्रिक्टली ट्राइंग टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली इन अवर लाइफ। जो है 10 अपराध जो है हमको, जो हरि नाम का बताया जाता है, जो हम हर एक मंदिर के अंदर सुबह के टाइम पे मंगल आरती के बाद में हम उसको रिसाइट करते हैं। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, बी ग्रेटफुल। इज इट नॉट अ फैक्ट प्रभु, हम ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? क्या थे हमारे हमारी लाइफ में पहले? आप थोड़ा कैलकुलेशन करो,
एक्सटर्नली हमारे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही हमारा फैमिली है, वही झमेलाबाजी है, वही सुबह में काम पे जाते हैं, वही रात को आते हैं, रोज कंडीशनिंग, सब लोग आजू बाजू के लोग भी वो का वही है, सब चीज वो का वो है, सब चीज वो का वो होने के बावजूद हम चेंज हो गए, इज इट नॉट? हाउ मच वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल कृष्णा, ये मेरे आपने क्या कर दिया, सब चीज खोटी चल रही है, सब गड़बड़ है, तुम भी मैं अंदर से शांत हो गया हूं, ये कैसे हो पाया भाई? प्रभु तो कुछ हायर पावर ने हमारे लाइफ के अंदर बहुत ऊंचा चीज कर लिया, टेक इट वेरी सीरियसली। मैं समझता हूँ प्रभु जी, हम लोग जो लोग ज्यादा करके आए हुए हैं, यंग है, थोड़े बहुत मिडल एज वाले भी है, 30s 40s में भी है, 50s में भी है, जो 30 ईयर 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक जो नहीं कर पाया, जो हम हैंकर कर रहे थे वो 2-3 साल में हमको मिल गया, ये मिरेकल नहीं है लाइफ में भाई? ये लाइफ में मिरेकल नहीं है, इससे अच्छा ऊंचा मिरेकल क्या चाहिए आपको? ये देखने के बाद में एक डिवोटी शुड बिकम वेरी ग्रेटफुल, कृष्णा थैंक यू, और खाली थैंक यू नहीं बोल रहा है मुझे, कृष्णा हृदय से बोल रहा हूं, आपने मेरी लाइफ चेंज कर, आपने मेरी लाइफ चेंज कर, मैं क्या था और क्या हो गया हूं, एंड नॉट ओनली आई एम सेइंग थैंक यू, आई एम सेइंग फ्रॉम माई हार्ट दैट नाउ ऑल आई कैन टेल यू इज आपने जो दिया है ना, उसके सामने मैं भी चेक करता रहूंगा कि मैं कैसे कंटिन्यूअसली मेरे लाइफ के अंदर रेसिप्रोकेट करता रहूं। दिस इज द मीनिंग ऑफ वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली गो ऑन चेकिंग इट आउट दैट वी डोंट डू एनी वैष्णव अपराध। ये सब चीज आप बराबर सीरियसली करते जाओगे ना प्रभु, हरि नाम की पोटेंसी आती जाएगी, और दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट प्रिंसिपल इन महाप्रभु प्रिंसिपल, नामे रुचि, वी हैव टू चॉप कॉन्स्टेंटली चेकिंग आउट कर मेरा वैष्णव अपराध ना हो जाने किसी से। प्रभु हमारी सबका नेचर सबका अलग अलग है, हर एक व्यक्ति अपने रीत से सेवा करना चाहता है, हो सकता है कभी डिफरेंस ओपिनियन, कभी हमारा फॉल्स ईगो आएगा, उसका फॉल्स ईगो आ जाएगा, कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं जम रहा है, दूर हो जाओ, उसके साथ में अपराध मत करो, दूर हो जाओ, कहाँ किसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है प्रभु कुछ समझ में नहीं आता है। आई कैन टेल यू मेनी डिवोटीज प्रभु, इतना बोलने के बाद में भी वो जाते हैं बाहर, और बाहर जाने के बाद में ना बोलने के बाद में भी जाते हैं, और फिर थोड़े समय ऐसा किक खाते हैं, उस समय अगर हमने अपराध करते थे ना प्रभु तो जो है प्रभु बहुत गड़बड़ हो जाता था, लेकिन वो व्यक्ति बाहर जाने के बाद में किक खाने के बाद में जब वापस आता है प्रभु, वो इतना फास्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ता है कि हम देखते रह जाते हैं, और तभी डर लगता था कि उस समय जब भी वो गया तभी अगर मैंने क्रिटिसाइज किया और उसके साथ में अपराध कर लेता था तो मैं चला जाता था, मेरा तो कहां मैं भक्ति में ही नहीं रहता था, लेकिन आज के दिन ये व्यक्ति कितना महान हो गया है, उसका थोड़ी हिंड्रन उसके अंदर जीवन में थी, कृष्णा ने बाहर निकालने के लिए उसको घुमाया और फिर बाद में ऐसा ऊपर लेके गया। यू हैव टू बी सो कॉशियस, अपराध ना हो जाए, नहीं जमता है दूर हो जाना, अपराध मत करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल अबाउट 10 नाम अपराध, बी ग्रेटफुल, डोंट डू एनी वैष्णव अपराध, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी, इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल रिमेन हम्बल। प्रभु जी क्या मिल गया है ना, क्या मिल गया है, ऐसा मेरे डिवोटीज देखे हैं प्रभु जी, लोग को इतना ग्रेटफुल हो गया कि कृष्णा प्रभु जी, मुझे डिवोटी ऐसे भी आकर के बोलते हैं प्रभु अगर कृष्णा मेरे पास से सब कुछ छीन भी लेगा ना, लेकिन अगर मेरे को ये लाइफस्टाइल बनाए रखेगा, इधर ऐसा बना के रखेगा मेरा ये लाइफस्टाइल, आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग एल्स इन माय लाइफ, ये लाइफस्टाइल इटसेल्फ इज गिविंग मी सो मच सपोर्ट। तो प्रभु मेंटेन ह्यूमिलिटी, मेंटेन ट्रेमेंडस सर्विस एटीट्यूड, अगर ये सर्विस एटीट्यूड बराबर आपके लाइफ में रहेगा प्रभु, आप यू विल बी एबल टू मेंटेन दिस नामे रुचि, मेंटेन हार्ड कोर डिटर्मिनेशन, कुछ भी होगा जैसा हम अभी आप बैठने वाले हैं 64 माला करने के लिए, मेंटेन हार्ड कोर डिटर्मिनेशन करेंगे ही प्रभु जी, इतना मार खाने के बाद में इतना अच्छा लगने लगा है जीवन में, फिर भी कॉम्प्रोमाइज करें तो हमारे जैसा मूर्ख आदमी कौन है, वी विल मेंटेन इट आउट विद हार्ड कोर डिटर्मिनेशन,
कोई भौतिक चीज के लिए जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस या खास करके जूम जापा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अरे इतना फायदा होने के बाद में भी हम भागेंगे, अभी भी भौतिक चीज में आसक्ति रखेंगे तो हम किक्की खाएंगे, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। दैट डजंट मीन वी विल नॉट डू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी सेकेंडरी, प्राइमरी इज अवर साधना। तो हार्ड कोर डिटर्मिनेशन प्रभु, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर दिस विल बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी, हरिनाम विल बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये कॉन्सियसनेस बराबर इससे रखते जाओगे ना प्रभु, यू विल गेट ए नाम ए रुचि, इट विल ग्रेजुअली कम। कृष्ण इतना जल्दी ऊंची चीज नहीं देंगे। एक बार मेरे राधानाथ महाराज को बोला महाराज जल्दी दे दे बेटा, तो महाराज टोल्ड मी वेरी क्लियरली इतना जल्दी कृष्ण विल नॉट गिव, बिकॉज वंस कृष्ण गिव्स यू नाम ए रुचि देन कृष्ण बिकम्स योर सर्वेंट। ही वुड नॉट लाइक टू बी अ सर्वेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टिल द टाइम ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज रियली सिंसियर। तो प्रभु दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच वी हैव टू कीप इट इनटू कंसिडरेशन। और अगर ये बराबर किया ना प्रभु, आपने ये बराबर प्रिंसिपल्स फॉलो किया और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर नाम नाम को हरि नाम को पहली प्रायोरिटी दिया, देन प्रभु इट इज लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसा ज्वाइंट होता है तो आपको पानी मिलता ही है, उसी हिसाब से नामे रुचि और ये प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो किया, देयर विल बी डेफिनेटली चेंज इन योर कॉन्शियसनेस, डेफिनेटली चेंज। हो सकता है प्रभु हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, करोड़ों जन्मों से गड़बड़ किया है, तो इतना जल्दी हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, लेकिन डेफिनेटली चेंज तो आएगा ही, डेफिनेटली चेंज आएगा। आपको खुद को भी लगेगा कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, इतना टेंशन में रहता था, इतनी एंग्जाइटी में रहता था, पर एक्सटर्नली कोई चीज चेंजेस नहीं हुई है मेरी लाइफ के अंदर, यह मैं ब्लिसफुल हो गया हूं, मैं कितना आनंदित हो गया हूं। रुचि एक बार ये चीज लाइफ में आ गया प्रभु जी, मेजर प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉर्टेड आउट। दिस इज महाप्रभु फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल इज वैष्णव सेवा। प्रभु अभी एक एक चीज हमेशा याद रखेगा प्रभु, जो व्यक्ति ने खाली नाम 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 हरि नाम हरि नाम हरि नाम करता रहा लेकिन उसने वैष्णव की सेवा नहीं किया ना प्रभु, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। That's why we always tell everybody, please chant the holy name and serve the devotees. Unless until you don't serve the devotees, Prabhu, you will not get the benefit of Harinam. आप देखिए प्रभु हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, वो रोज 192 राउंड्स करते थे, करेक्ट, सिद्ध बकुल के अंदर रोज 192 राउंड्स करने के बाद में प्रीचिंग करने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि विदाउट वैष्णव सेवा ही विल नॉट बी एबल टू एडवांस। और प्रभु एक चीज याद रखेगा, वैष्णव वैष्णव जो है ना प्रभु बहुत मर्सीफुल होते हैं, ऐसी कृपा मिल जाती है ना कि कृष्णा जो है ना ज्यादा आप लोग को जल्दी नामे रुचि दे देंगे। सो मच रिक्वायर, सो मच रिक्वायर। हमारे आचार्य कहते हैं, खास करके राधानाथ महाराज बोलते थे कि जैसा कोई भी ट्रेन चलता है तो वो दो ट्रैक पे ही चलते हैं, एक ट्रैक पे नहीं चल सकता है। उसी हिसाब से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का जो है जो ट्रेन है ना वो दो ट्रैक पे चलने वाला है, एक बाजू नामे रुचि और एक बाजू वैष्णव सेवा। और आप चेक करना प्रभु, दिस इज अगेन एन ओपन चैलेंज टू एवरीबॉडी, एक बार आप नामे भगत हरि नाम लो और दूसरी बाजू वैष्णव की सेवा करो, सेल्फलेसली करो, नो चीटिंग बाजी। अरे ये मिलने ये होगा तो ये मुझे मिलेगा, या तो नेम फेम मिलेगा, या तो पावर पोजीशन मिलेगा, या तो लोग मुझे बहुत बड़े बड़े समझेंगे, ये सब एक्सटर्नल है। यू वांट समथिंग इन रिटर्न बाय सर्विंग द वैष्णवास, बट अगर ये कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, आपको सिर्फ सेवा करनी है, सेल्फलेस सेवा करनी है, अगर ये कॉन्सियसनेस है और आप नाम भी लेते हो और वैष्णव की सेवा करते हो, प्रभु यू विल चेक इट आउट, देयर इज ट्रेमेंडस नरिशमेंट विल कम इन योर कृष्णा कॉन्सियसनेस, ट्रेमेंडस नरिशमेंट। जो आपको ज्यादा नाम लेने से नहीं मिलता है, मिलने वाला है, वो दोनों चीज साथ में रखने से आपको मिल जाएगा। दिस इज महाप्रभु फिलॉसफी, दोनों चीज साथ में रखने। मैं देखता हूँ प्रभु जी, आई चेक इट आउट, वी हैव नाउ अराउंड समथिंग लाइक 10 to 12 माता जी एंड 8-10 प्रभु जी आर डूइंग सम सर्विसेज फॉर अवर जूम। वो सब सेवक देखते हैं, वो लोग हमको मॉनिटर करते हैं कि हम बराबर ठिकाने रहे, कहाँ पे सो नहीं जावे, ये वो, और उनको गाली दबाचा भी बहुत मिलता है। सब लोग उनके साथ में बोलते, गुस्से भी हो जाते हैं ना प्रभु, हमारा ईगो हर्ट होता है, कोई बोलता है तुम सो रहा है, तो हमको ईगो बहुत हर्ट हो जाता है प्रभु, डेफिनेटली आई कैन टेल यू प्रभु, कोई बोलेगा तुम सो रहा है प्रभु,
हर्ट हो जाता है और उनको सहन करना पड़ता है, लेकिन देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, सेल्फलेस सर्विस, ओनली सेल्फलेस सर्विस। आई आस्क यू, चेक योरसेल्फ, जो जो भक्त जो ये सेवा करता है अपने कॉन्शियसनेस में चेक करिए, अगर वो लोग को ऑस्ट्रिटी करनी है, क्योंकि हमारा रूल बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो लोग जो है जपा भले हमारी सेवा करें, लेकिन उनको भी अपना कोटा जपा का खत्म करके ही जाना पड़ता है, तो दे आर डूइंग मोर ऑस्ट्रिटी देन अस, लेकिन उनको चेक करके पूछिए हाउ मच दे आर ब्लिसफुल बिफोर एंड नाउ आफ्टर डूइंग दिस सर्विस, हाउ मच चेंज इज देयर इन योर कॉन्शियसनेस, आप चेक करिए। दिस इज सो प्रैक्टिकल, दिस फिलोसॉफी इज सो प्रैक्टिकल, दे आर मोर हैप्पियर देन वॉट इट वॉज बिफोर। Why? Because serving the Vaishnavas in a selfless way. This is the second principle. Everybody has to come to a conclusion. This is what Mahaprabhu wants it. On one side, Name Ruchi, second side, Vaishnav Seva. और वैष्णव सेवा ऐसा नहीं है कि प्रभु आप तो खाली बस ऐसा सेवक बनने का उसी से होने वाला, ऐसा नहीं होता है प्रभु। व्हाटएवर वी है, व्हाटएवर जो आपको कृष्णा ने दिया हुआ है, वो आप वैष्णव की सेवा में लगाओ, जो आपके पास पोटेंसी है। हमारे टेम्पल, हमारे माता जी, हमारे एक एक आई विल नॉट मेंशन द नेम, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन है, उसकी वाइफ, उसकी माँ है, उसका हस्बैंड गुजर गया, बच्चा ब्रह्मचारी बन गया, तो प्रभु जी अभी वो अकेली हो गई है, अभी उसको क्या वैष्णव सेवा किया भाई, वो माता जी है, ओल्ड वुमन, वो वैष्णव की सेवा कैसे कर सकती है, फाइनेंशियल इज वेरी साउंड। वो डू यू नो व्हाट दैट माता जी इज डूइंग वैष्णव सेवा, वो माता जी इज वेरी गुड इन कुकिंग, वो कुकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट यानी शी नोज कुकिंग। तो प्रभु जी वो जो है ना सब यंग लड़कियों को अपने घर पे बुलाती है, जो यंग लड़कियां माता जी जो लंग गर्ल्स है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसको सबको घर पे बुलाती है और ह्यूज क्वांटिटी के अंदर स्नैक्स और प्रसाद बनाती है, फ्राइड प्रसाद जो लंबे समय तक रह सके, ह्यूज क्वांटिटी में बनाती है, वो खुद डी मार्ट या उधर सब जा करके लेके आते हैं सब ग्रोसरी, ह्यूज क्वांटिटी में बनाती है, घंटों का घंटों दिनों दिन निकाल के बड़ा बड़ा पैकेट्स बना के रखती है, और वो सब जो है एक हमारा उबर और ओला में सब डालती है, डाल करके लेके आती है गोपीनाथ मंदिर में, और गोपीनाथ मंदिर में लेकर आकर आने के बाद में सब ब्रह्मचारी जो हमारे गोपीनाथ के ब्रह्मचारी जना, वो सबको एक एक पैकेट देती है, बोलते कि अगर कभी कभी आप प्रचिंग करने के बाद में लेट आया और यहाँ पे प्रसाद खत्म हो गया और आपको प्रसाद लेना है, तो ये प्रसाद आपके पास आपके ड्रॉवर में रखना, जिससे आप भूखे सोए नहीं। समटाइम्स आई फील प्रभु जी मुझे भी एक पैकेट देती है वो, शी गिव्स वन पैकेट टू मी ऑल्सो। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना प्रैक्टिकल है प्रभु जी, कितना प्रैक्टिकल है। मैं माता जी को पूछता हूँ, माता जी क्या लगता है, देखो प्रभु इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है जब वो प्रसाद मेरे सामने खाते ना, वो मुझे जो आनंद मिलता है ना, मैं क्या एक्सप्रेस करूँ, व्हाइल स्पीकिंग शी स्टार्टेड क्राइंग। मुझे इतना आनंद मिलता है कि मेरे जो प्रसाद बनाया है, ये लोग ये इतने बड़े बड़े साधुज है जिसने पूरा जीवन दे दिया है उसको, ये मेरा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, शी यूज्ड टू बी वेरी हम्बल इनफ टू टेल मी, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे खाली कुकिंग ही करने को आता है, और लक्ष्मी भगवान ने दिया है तो मैं, बिकॉज आई मेड इट वेरी क्लियर विथ हर, पहली तारीख को जो कुछ भी इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो कुछ भी आया उसको मैंने ऐसा प्लानिंग करके दिया है कि पहली तारीख को उसको जो आया मुझे लास्ट तारीख को उतना ही पैसा रहना चाहिए, यानी पूरे महीने के अंदर सब पैसा वापस लेने का, उसको बेचारे को पता नहीं है कैसा पैसा वापरने का। शी गोज टू द डी मार्ट, ह्यूज क्वांटिटी में ग्रोसरी खरीद के आती है, ह्यूज क्वांटिटी में सब सुक्का प्रसाद बनाती है, चिवड़ा ने घोघरा ने ये ने वो सब बना करके क्वांटिटी में पैकेट्स बना के आती है और हर एक डिवोटी ब्रह्मचारी को प्रसाद का पैकेट दे देती है। दिस इज वैष्णव सेवा, वॉट एवर इज योर एबिलिटी इज यूज इट इन कृष्णा सर्विस एंड सी द लाइफ इज बिकम सो ब्लिसफुल। और वही माता जी जो है आज के दिन मेरे को रोज शी चांट्स, आई थिंक 32 राउंड्स पहले मुझे बोलती थी, अभी तो आई थिंक शी हैज इंक्रीज हर चांटिंग आल्सो, बिकॉज़ शी स्टार्टेड गेटिंग द टेस्ट, व्हाई, बिकॉज़ इट इज रिलेटेड टू वैष्णव सेवा। प्रभु दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड फैक्टर विच वी हैव टू लर्न इट इज जीव दया। प्रभु जी एवरीबडी सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीबडी सफरिंग, सब रगड़ रहे, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है मालूम है, सब जगह सब लोग रगड़ रहे, तो इसलिए हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये लाइफस्टाइल ही ऐसा है, ऐसा लगता है सर ऐसा ही लाइफस्टाइल है, लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी समझ जाता है कि क्या चल रहा है ये दुनिया में, क्या तकलीफ चल रही है यहाँ पे, किस तरह से ये चलता जा रहा है। तो एक समझदार आदमी जो है प्रभु ही बिकम्स सो मच कॉशियस, और उसके अंदर से एक कंपैशन आ जाना चाहिए,
आप चेक करना, अगर आपने जो है नाम नाम में रुचि और वैष्णव सेवा बराबर करेंगे ना, आपके हृदय में बहुत कंपैशन आ जाएगा, जैसे प्रभुपाद जी का था। प्रभुपाद जी जो है देखते थे और रोने लगते थे, वाई दिस फूड फॉर लाइफ हैड स्टार्टेड, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैशन। प्रभु ही कुड नॉट बेयर इट, पीपल आर हंग्री, ये कंपैशन आ जाता है। और वो कंपैशन में जो है प्रभु आप यू वॉन्टेड टू गिव गिव दम कृष्णा, उनको ऐसा लगता है ये देखो कितने दुखी है और मेरे को क्या मिल गया है, व्हाई नॉट आई शेयर विद देम एंड मेक देम ऑल्सो हैप्पी। प्रभु आई कैन टेल यू प्रभु, वी वर डूइंग जूम, हम लोग जूम के अंदर रखते थे, हम सब में आप सब लोग आते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया था, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन यूट्यूब इज बेसिकली जीव दया। यूट्यूब हमने क्यों रखा है, जिससे जो है जो डिवोटीज जो है दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट आउट, कोई नए है और उसको लगता है कि थोड़ा देख लूं क्या है, प्लीज कम, हाँ बैठो, इधर तो बहुत ज्यादा घंटा बैठना पड़ता है, खाली उधर आओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, लेकिन देख लो, टेक द टेस्ट, प्रवचन भी वहां पे सुन लो, आपको जितना समय बैठना है बैठो और चले जाओ, जो भी आपको करना है, 10 बार आओ और 10 बार जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ये जीव दया करने से क्या होगा, कृष्णा बिकम सो प्लीज, बिकॉज कृष्णा कैनॉट बेयर इट, कृष्णा कैनॉट सी एवरीबडी सफरिंग, उनको उनको कोई रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, और कोई भी डिवोटी आकर के थोड़ा स्ट्रेस लेता है, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज। वाई चैतन्य महाप्रभु वाज सो हैप्पी विद वासुदेव दत्त, इट इज ओनली बिकॉज वासुदेव दत्त हैड सो मच कंपैशन, उन्होंने वहां तक बोला कि सबको महाप्रभु सबको लेके जाओ और उसको सबका कर्मा मेरे को दे दो, मैं इधर रगड़ता रहूंगा, लेकिन मैं देख नहीं सकता ये सब लोग सफर होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सियसनेस होने की वजह से जो है प्रभु महाप्रभु बिकम वेरी प्लीज विद हिम। तो प्रभु दिस थ्री प्रिंसिपल्स अगर आपने बराबर बराबर पकड़ करके रखा, नामे रुचि वैष्णव सेवा जीव दया, ये तीन चीज बराबर रखा ना प्रभु, आप चेक करोगे आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। इट इज नॉट सो समथिंग दैट होगा, ऐसा नहीं, यू जस्ट रियलाइज इट, यू जस्ट प्रैक्टिकली चेक इट आउट, आप देखना प्रभु जी आपके लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज आ जाएगा, आपको लगेगा मैं वही हूं क्या, मैं वही व्यक्ति हूं जो पहले था, मैं कुछ चेंज कैसा आ गया है, आपको लगेगा प्रभु जी कि मेरे में इतना ब्लिसफुलनेस कैसा आ गया, मेरे में इतना पीसफुलनेस कैसा आ गया, और मैं अकेला नहीं देखता हूं, दूसरे लोग भी बोलते हैं कि तेरे में कुछ चेंज आ गया है। आपको ऐसा भी लगेगा प्रभु जी कि प्रॉब्लम्स जो है ना, प्रॉब्लम चलते ही रहने वाला है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, यानी वेज हाउ मच वी बिकम हैप्पी, जब प्रॉब्लम कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, लेकिन अगर हमको प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल जाता है तो प्रभु जी तो फिर हम प्रॉब्लम से घबरते नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे जीवन में होने लगता है, आने दो प्रॉब्लम, मेरे पास सॉल्यूशन है, और व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हरि नाम लिखूंगा, राधा श्याम सुंदर गोपीनाथ के पास आकर के, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैं हरि नाम तो लूंगा लेकिन राधा रानी के सामने रो लूंगा, आई विल क्राई माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ राधा रानी, इससे मां दुखी हूं, शेल्टर दे देना, और प्रॉब्लम वो का वो रहेगा प्रभु, लेकिन वो शेल्टर इतना मिल जाएगा ना कि वो प्रॉब्लम जो है हमको प्रॉब्लम नहीं लगेगा फिर, इज इट नॉट द रियलिटी हाउ मच वी गेट सच शेल्टर। तभी हमको लगता है कि बोलते ना वो अलाउद्दीन की जादुई चिराग, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कुछ, तो कुछ मिल गया प्रभु जी, वी हैव गॉट 1000 टाइम्स बिगर देन अलाउद्दीन का जादुई चिराग, क्योंकि हमको मालूम हो गया अभी एक शॉर्टकट मिल गया ना, तकलीफ आया सीधा जाकर के माला लेके बैठने का, कृष्णा के सामने रो लेने का, कर बोल देना मुझे संभाल ले, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे को ये इसमें से निकाल दो, लेकिन मुझे ऐसा कोई शेल्टर दे दो कि मैं इसके सामने फेस करूं और मेरी कॉन्शियसनेस में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, और मेरा एसोसिएशन और मेरी लाइफस्टाइल वो का वो रखो, क्या ऊंची चीज है लाइफ में प्रभु। आप देखो मैं कितने लोग को देख रहा हूँ, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आते हैं ना, खोटी आदतें लग जाती है, कुछ खोटा डिसीजन ले लेते हैं और पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, वी हैव गॉट दिस प्रभु, ये जब हमने तीन चीज को बराबर सीरियसली लिया, दिस इज व्हाट द रिएक्शन कम्स इन अवर लाइफ, आगे चल करके आपको देखेगा आपको पता चलेगा आपका गोल ऑफ लाइफ इतना फिक्स्ड हो गया है, हमको हमको क्या प्राप्त करना है, हमको क्या अचीव करना है, हमारा लाइफ में किस तरह से हमारा ढांचा होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल के सिस्टम कैसी हो जानी चाहिए, एवरीथिंग हैज बिकम सो सिस्टमेटिक इन अवर लाइफ,
सिस्टम, पहले तो हमको कुछ मालूम ही नहीं था, किधर भी जाते थे, किधर भी करते थे, कुछ भी करते थे प्रभु हमारी लाइफ में। आज के दिन हमारा लाइफ एकदम फोकस्ड है प्रभु, एक मैच्योर और सिंसियर डिवोटी उसको एकदम क्लियर होता है, किसी माँ के पेट में भी नहीं जाऊंगा मैं, मुझे जाना ही नहीं है, मेरे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा लेकिन ये भक्तों का संग छोड़ूंगा नहीं। ये लाइफ में इतना गोल हो गया है प्रभु जी, इतनी क्लियर कट हो गया। आप देख रहे प्रभु आपके लाइफ के अंदर, आपके फैमिली मेंबर्स, आपने कितनी बार आपके फैमिली मेंबर्स को बोला है तुम कृष्णा भक्ति ले लो, लेकिन तो वो लोग ले नहीं रहे थे, लेकिन आपने फिर बोलने का मन किया, लेकिन आपने आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर मैच्योर कर दिया प्रभु, आपके फैमिली मेंबर को बोलने की गरज नहीं लगी, वो लोग ने आपका लाइफस्टाइल, आपका नेचर सब देखा और उनको ऐसा लगने लगा ये व्यक्ति का चेंज हो गया और हम बातें करते रह गए, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम लाइक ब्लिसफुल लाइक हिम और हर, और ऑटोमेटिकली आपके फैमिली मेंबर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेने लगे। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? आपके कलीग्स, आपके ऑफिस के स्टाफ, या तो आपके एम्प्लॉयज, या तो आप जिधर काम करते हो, वो सब लोग आपसे रियलाइज हो गए कि ये आदमी इतना गुस्से हो जाता था, इसका नेचर इतना धड़फड़ वाला आदमी था, लेकिन ये आदमी एकदम चेंज हो गया, छोटी मोटी चीज के अंदर लेट गो कर देता है, ये कैसे हो गया? यू विल चेक इट आउट, दे विल ऑल्सो से दैट इसकी आदमी में कुछ फर्क आ गया है। फिर आप देखो आगे जाएंगे तो आपके अनर्थ, प्रभु आपको अनर्थ जो है, आपने तो कितनी मेहनत किया था, उल्टा सीधा इधर उधर कितना एडजस्टमेंट करने की कोशिश किया था, लेकिन जब महाप्रभु की मर्सी मिली और ये तीन चीज आपने सीरियसली फॉलो किया, अनर्थ निकले नहीं होंगे लेकिन डेफिनेटली कम हो गए होंगे, आप अंदर से ब्लिसफुल हो गए हो, और आपको समझ में आ गया अनर्थ आया कृष्णा के सामने आकर के खड़ा कर देने का, कृष्णा संभाल लेगा और दब जाएगा, सिस्टम मिल गई अपने पास, बिकम ब्लिसफुल, दिस इज वॉट इज महाप्रभु, इस मिराकल प्रभु क्या दे दिया हमको, प्रभु जी क्या दे दिया, बिकम सो ग्रेटफुल टू महाप्रभु, महाप्रभु ने क्या दे दिया हमारे लाइफ में प्रभु, ये पहले ऐसा मिला था क्या? सब जगह पे सुबह में ये मंदिर में जाते थे ना, ये मंदिर जाते थे ना, सोमवार के दिन शंकर भगवान को करते थे ना, मंगलवार को दूसरा, बुधवार गुरुवार को सरस्वती माता ना, शुक्रवार संतोषी माता, क्या क्या किया है, आई डोंट नो अबाउट यू, मैंने तो इतनी बजे सब गुलाटे मारी है, लेकिन अभी क्या मिल गया है, क्या मिल गया प्रभु जी, हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। ये चीज जब मिल जाता है ना, तब आदमी को समझ में आ जाता है, ओ कृष्णा थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, क्या चेंज हो गया है। और अभी अभी जब ये चीज हमारे लाइफ में चेंज आ जाती है ना, तब हमारे लाइफ में एक कन्विक्शन आ जाता है, कृष्णा कुछ भी कर, कुछ भी कर, अभी मुझे अभी प्रोसेस मालूम हो गया है, डिफिकल्टीज आएगी तो मुझे रास्ता भी मालूम हो गया है, अभी मेरा ये लाइफस्टाइल चेंज नहीं करवाना प्लीज, मुझे बहुत ऊंची चीज मिल गई है। वहां तक मैंने देखा है प्रभु जी, डिवोटीज वहां तक प्रे करते कृष्णा को, कृष्णा थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्टीज देना है तो भी दे देना, लेकिन इन एक्सचेंज मेरे को ये लाइफस्टाइल, ये एसोसिएशन, ये मुझे छोड़वाना मत। When Krishna sees that, he becomes very happy. ये व्यक्ति ने कितना सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया। We want to have that, प्रभु। We really wanted to have that. This is what is महाप्रभु's mercy in our life. क्या मिल गया प्रभु जी, क्या मिल गया? आज हम एक दूसरे, प्रभु जी कैन यू जस्ट विचार विचार करिए प्रभु, हमारे फैमिली मेंबर्स के अंदर भी इतना डीप, इतना क्लीन रिलेशनशिप नहीं है जितना हमारे हमारे एक दूसरे के बीच में। वी जस्ट एवरीबडी वॉन्ट्स टू जस्ट गिव एंड नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। कैन यू इमेजिन हाउ मच नरिशमेंट वी गेट इट फ्रॉम विद इन? दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू कम, दिस इज वॉट महाप्रभु इज गिविंग अस। सो प्रभु, मैं बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे बस बस बहुत हो गया, अच्छे बनने आए। सो प्रभु टूडे वेन वी आर चैंटिंग 64 राउंड्स, जस्ट हैव टू बी प्रेइंग टू महाप्रभु। आज जब हम जब माला करेंगे तब महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे, महाप्रभु थैंक यू, व्हाट आई कैन से, क्या आपने दे दिया मेरी लाइफ में, मैं कहा था ऐसे, मैं भाग रहा था रुपये के पीछे, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के पीछे, पावर पोजीशन स्टेटस के पीछे, और उसके सामने आपने मेरे को एक नाम और रुचि थोड़ी दे दिया, थोड़ा वैष्णव सेवा मैंने किया, और
और थोड़ा जीव दया दिया, तो ये तीन चीज करने से वजह से ये सब इच्छाओं अभी कम हो गई है। निकली नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि मेरे में अनर्थ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली कम हो गई है। और मुझे मालूम हो गया है नरिशमेंट तो मुझे हरि नाम से देने वाला है, नरिशमेंट तो मुझे वैष्णव सेवा देने वाला है। मैं क्या पागल की तरह भाग रहा हूं सब जगह पे। तो नाउ व्हेन वी आर चैंटिंग होली नेम, व्हेन वी आर चैंटिंग 64 आवर्स, वी विल रियली प्रे फ्रॉम अवर हार्ट। प्रभु कुछ भी कर, लाइफ कुछ भी करो मेरे लाइफ में, ये एसोसिएशन मत छोड़वाना, ये लाइफस्टाइल मत छोड़वाना, मुझे ऐसे ही जिंदगी निकाल देने की है। कुछ मत देना मुझे, मटेरियली कुछ मत देना। जो मुझे मिल रहा है ना, उसमें मुझे इतना अंदर से आनंद और संतुष्टि मिल गई है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाप्रभु। आई एम हैप्पी फ्रॉम विद इन बिकॉज आई हैव गॉट अ होली नेम इन माई हार्ट। दिस इज वॉट इज मैच्योर कृष्णा कॉन्सियसनेस, दिस इज वॉट राधा चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन अस। प्रभु वी शुड बी सो ग्रेटफुल, वी सो ग्रेटफुल। ग्रेटफुल कभी हो पाओगे प्रभु हमारी पीछे की जिंदगी चेक करके, पहले का जीवन चेक करो प्रभु, जब हम कृष्ण भावनामृत में नहीं थे, या तो इतने सीरियस नहीं थे, और अभी का जीवन में चेक करो क्या फर्क आ गया है, क्या फर्क आ गया है, इतना आनंद लगता है प्रभु जी। मैं देखता हूँ प्रभु, देयर आर सो मेनी डिवोटीज। यस्टरडे आई वाज जस्ट चेकिंग द अटेंडेंस शीट एंड एवरीथिंग, मैं चेक कर रहा था प्रभु कितना लोग डिवोटीज ने सीरियसली लिया है, हार्डली दे मिस एनी डे इन देयर लाइफ टू चैंट विद अस। इट्स सो नरिशिंग, इट इज सो नरिशिंग। प्रभु जी टेक इट वेरी सीरियसली। आई नो देर विल लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स विल कम इन अवर लाइफ, डेफिनेटली इट विल कम, बट अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णो सेवा, प्रभु एवरीथिंग विल बी सबसाइडेड। तो प्रभु आई थिंक आई शुड एंड इट नाउ। प्रभु आई प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, आई एम सीरियसली आस्किंग ईच एंड एवरी डिवोटी, मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं बातें करते ना रह जाऊं, 2 मिनट और बोल दूं क्या, इफ यू अलाउ मी यार? तो कुछ मजा नहीं है, टेक माय वर्ड्स, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट नाउ, कुछ मजा नहीं है भौतिक दुनिया में। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स ऑल्सो लव यू एंड यू ऑल्सो लव योर फैमिली मेंबर्स, बट देन ऑल्सो ये कंक्लूजन एक आ जाता है आपके लाइफ के अंदर, मेरे फैमिली मेंबर्स भी उसके प्रॉब्लम, फादर भी फादर के प्रॉब्लम में, हस्बैंड भी हस्बैंड के प्रॉब्लम में, वाइफ वाइफ के प्रॉब्लम में, उसकी कंडीशनिंग उसका बैकग्राउंड ये सब चीज, बच्चे बच्चे के प्रॉब्लम में, कितना भी तुम करेंगे प्रभु, वो लोग को भी हमारे से नरिशमेंट नहीं मिलता और हमको भी उससे नरिशमेंट नहीं मिलता है। ठीक है ये चीज करनी पड़ रही है तो हम करेंगे, लेकिन सच्चा आनंद, दैट डजंट मीन वी विल कॉम्प्रोमाइज आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल डेफिनेटली कंप्लीट इट ऑल बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम पूरा करेंगे और बराबर विलिंगनेस से पूरा पूरा करेंगे, लेकिन एक चीज पक्का रखेंगे, प्रायोरिटी तो कृष्णा कॉन्सियसनेस ही है, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी इन माई लाइफ। और धीरे 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 ऐसा टेस्ट बना देंगे, ऐसा टेस्ट बना लेंगे हम लोग विद दिस 3 प्रिंसिपल्स, जब मैं कृष्णा को भूलना चाहूं तो भी मैं कृष्णा को भूल ना सकूं। दिस इज आइडियल लाइफ वी वांटेड टू कम, तो बोलना भी चाहूंगा तो भी कृष्णा को भूल नहीं सकूं। व्हेन वी रीच टू दैट लेवल, दैट मीन्स वी हैव रीच्ड द परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, आई बैग ईच एंड एवरी डिवोटी। मैं बातें करते ना रह जाओ, बातें नहीं करते, खाली हकीकत में लाइफ में वो रीच पे, वो स्थिति पे आ जाता है, ऐसी स्थिति पे आ जाता है कि कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी फ्रॉम विद हिम। उनको इतना खुश हो जाना चाहिए कृष्णा को, हमको देख करके, ये व्यक्ति ने लेसन सीख लिया या भौतिक दुनिया में, ही हैज लर्न दिस लेसन वेरी नाइसली, तो लेट मी टेक इट बैक नाउ। प्रभु जी मेरे को, मुझे हमेशा ऐसा भी लगने लगा है, हर एक व्यक्ति जब उसका मृत्यु आए उसके पहले ये लेसन सीख लेना चाहिए, अगर ये लेसन उसने नहीं सीखा ना प्रभु, दैट मीन्स ही हैज नॉट परफेक्टेड हिज मटेरियल लाइफ। व्हाट इज द लेसन ईच एंड एवरी डिवोटी हैज टू लर्न? The lesson which devotee has to learn is, Krishna, from the core of my heart, I am completely convinced there is no pleasure over here. I am in an illusion. The pleasure is only in serving you.
I was in a illusion. Krishna, I don't want to be enjoyer, proprietor, and a controller. I accept it. I accept it out. आपको पता है जब ये वो फिल्म इंडस्ट्री में और सब लोग कोई उसको कोई कोई व्यक्ति दादागिरी करता है तो वो बंदूक दिखाता है और वो सामने बंदूक दिखाए तो सामने वाला हाथ ऊंचा करके खड़ा रहता है ना, हैंड्स अप, एक्सेप्टेड, आई एम डिफीटेड. उसी तरह से प्रभु जी हम लोग का वो कंडीशनिंग डिफरेंट है ना, उनको कृष्णा के सामने हाथ ऊंचा करके बोल देना है, कृष्णा हैंड्स अप, आई एक्सेप्ट इट, आई एम डिफीटेड, आई वॉज ऑन इल्यूशन कृष्णा. I don't want to be more into that illusion now. I accept it that I was wrong. I accept it that I cannot be enjoyer, proprietor, controller. I am meant only to serve you. And only by serving you, I can be happy. ये lesson बराबर अगर आपने समझ नहीं लिया ना प्रभु, still we are ready to go on rotating in this birth and death. Every devotee has to learn this lesson before he leaves his body. अगर ये lesson सीख लिया ना प्रभु, फिर डेफिनेटली कृष्णा को बोलेंगे ये लेसन तो सीखा है लेकिन ऑनर तो नहीं निकला है बाबा, दैट कृष्णा कैन गिव हिज कॉजलेस मर्सी एंड टेक अस आउट. दिस इज व्हाट इज टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु, वी हैव टू लर्न दिस. तो प्रभु इफ आई इफ यू इफ एवरीथिंग गोज ऑल राइट एंड इफ महाराज इज नॉट गिविंग क्लास, आई विल गिव अ क्लास ऑन नेक्स्ट संडे, एंड इफ ही गिव्स द क्लास आई डोंट नो व्हाट विल बी द शेड्यूल, बट इफ एट ऑल इट डजंट हैपन देन मंडे इज गौर पूर्णिमा. प्रभु प्रे टू महाप्रभु, रियली प्रे टू महाप्रभु, क्या मिल गया मेरी लाइफ में, मुझे क्या मिल गया है प्रभु, क्या हो गया मेरी लाइफ के अंदर, मिरेकल्स मेरी लाइफ में बड़ा मिरेकल आ गया है. ये मिरेकल ऐसा है मिरेकल कि मुझे हमेशा मुझे नरिशमेंट देता रहता है. आई एम सो ग्रेटफुल महाप्रभु, नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा मुझे क्या दे दिया है. I'm so happy from within. Please, Mahaprabhu, just मेरा एक ही request है, ये continue करवाना, और उसके सामने जो भी तुम मेरे से करवाना चाहे करवा लेना, लेकिन इसमें से मुझे निकालना मत, इसमें से मुझे निकालना मत. This is ideal Krishna conscious devotee. This is an ideal Gaudiya. We wanted to come to that level. ये भावना के साथ में we'll chant over 64 hours. बिफोर चार्टिंग मेरे लिए प्रार्थना भी करता प्रभु, मैं बातें करते न रह जाओ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू दैट लेवल. एकेडमिकली इट डजंट वर्क आउट प्रभु, जो आदमी को रियलाइज हो जाता है ना वो बड़ा आनंद हो जाता है, वो आनंदित रहता है अंदर से, ऐसा मिल जाता है ना प्रभु जी. आप देखना प्रभु, जो आदमी ने बहुत खाना खा लिया है ना, वो बहुत पेट भर गया है ना, फिर बाद में उसको तू बोलेगा ये ले लो, तो बोलेगा नहीं मैं कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी सकता हूँ, मुझे इतना पेट भर गया है, उसके एक्सप्रेशन से मालूम हो जाता है. और वो कुछ भी ले सकते हैं. ऐसा ही हमारा भी इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस से हमारा पेट भर जाना चाहिए. पेट भरे दिन हम जिसमें बी सो सेटिस्फाइड बट विद इन वी डोंट वांट एनी मटेरियल थिंग्स नाउ. दिस इज आइडियल कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो प्रभु विल चैंट अवर 64 राउंड्स विद दिस कॉन्शियसनेस एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस वेरी नाइसली व्हेन गौर पूर्णिमा इज कमिंग आफ्टर 8 days. Thank you very, very much. Extremely sorry. I took some more time. Please forgive me. And we'll chant over 64 rounds. Our second thing, 2 minutes, I'll take more, Prabhu. My humble request is, please, the people Prabhu has given you the dates for our next February Yatra. We have to confirm with Vrajvihari Prabhu. So please give your consent, which dates you liked it. So according to that, maximum jo dates aayega, we will convey to Vrajvihari Prabhu. So accordingly, he can also plan because he is going abroad. Preaching के लिए वो abroad जाने वाले हैं, तो उसके पहले हम उसको बता देंगे. और request once again is that way that प्रभु ये सब programs के अंदर we need proper attendance प्रभु. Just because to see to it that only quality devotees only means not quality. I would not say quality devotees, but devotees who have really got a taste can only absorb this type of a lifestyle. अब ये जो अभी हमारा वो virtual meeting होगा February में, अरे अगस्त महीने में, उसमें भी हम 3 दिन 64 और प्रभु जी का क्लास रहेगा, प्लस हमारा नेक्स्ट टाइम को जो अभी यात्रा हमारी जगन्नाथपुरी के रहने वाले, उसमें पहले दिन तो हम 128 राउंड्स करने वाले हैं और फिर बाद में 4 दिन 64 राउंड्स करेंगे. तो प्रभु ये सब चीज के लिए जो है यू नीड सीरियस टेस्ट, अदरवाइज इट बिकम्स अ वेरी बिग बर्डन. तो वी विल डेफिनेटली सी ओनली ऑन अटेंडेंस बेसिस ऊपर से हम डिवोटीज को लेके जाएंगे.
तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर जो डिवोटी इसको हकीकत में सीरियसली अगर हमको ये प्रोग्राम में इसमें आना है, यू हैव सफिशियंट टाइम राइट नाउ, प्रभु जी प्लीज कंप्लीट योर अटेंडेंस क्राइटेरिया. दैट्स व्हाई वी गिव यू अटेंडेंस एवरी वीक सो दैट यू कैन बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड कम एंड फुलफिल योर अटेंडेंस क्राइटेरिया. थैंक यू वेरी वेरी मच. वंश कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वह वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद.